हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? डू प्रिपेयर वेल। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, यूनिट 5 का एमसीक्यू सीरीज अपना कंटिन्यू करते हुए, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो, डू स्टे टिल दी एंड। काफी चीजें आप इसमें देखेंगे एंड देन ये आपका एक टेस्ट भी होगा जिससे आप रिकॉल कर पाएंगे जो आपने पढ़ा है। किन के लिए बेनिफिशियल है? उन स्टूडेंट्स के लिए है ये जो स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहे हैं, सिलेबस साथ में कंप्लीट किया हुआ है, प्लस वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ मैराथन सीरीज पढ़ी है, आप ये वाला जो एमसीक्यू सीरीज है ये भी साथ में देखेंगे, या वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले वीडियो देखे हैं, तो उनके लिए भी एमसीक्यू सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है? तो इसमें हम जो है यूनिट 5 सारा कवर कर लेंगे, ठीक है? तो जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, पहले मैं उनके लिए बता दूं, मैं अपनी चैनल पे कोर्सेज लेके आ रही हूँ आपके JKSSB सुपरवाइजर एग्जाम के, जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक? ये मैंने सिलेबस वाइज भी कंप्लीट करवाया है, जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। प्लस मैंने मैराथन कम रिविजन सीरीज भी करवाया हुआ है 5 यूनिट्स का, उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड एमसीक्यू सीरीज हमारे फर्स्ट 4 यूनिट्स कंप्लीट है। आज 5th यूनिट का एमसीक्यू जो है वो हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है? इसके साथ ही आपके 5 यूनिट्स के सारा मैराथन रिविजन सीरीज प्लस एमसीक्यू सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद स्कीम स्टार्ट करेंगे हम। स्कीम्स मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है आधा, उसमें हमने एक एमसीक्यू सीरीज की हुई है जिसमें काफी स्कीम्स कवर की थी, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है स्कीम्स का वो मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? तो साथ में हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप ये सारी चीज़ें मिस नहीं करना चाहते और आने वाले टाइम में SSB के बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे NT वगैरह, ठीक है, कांस्टेबल का एग्जाम या जो भी एग्जाम नोटिफाई होता है SSB के थ्रू या JKPSC के थ्रू, तो जो आपका सिविल सर्विस एग्जाम है KS का एंड इनफैक्ट UPSC का भी, तो उसके लिए भी ये चैनल बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में GS के रिलेटेड वीडियोज़ भी अपलोड करूंगी। प्लस हमारा ऑप्शनल सोशोलॉजी भी साइड बाय साइड कवर हो रहा है, जिसमें पेपर A हमारा कंप्लीट हो गया है एंड पेपर B ऑलमोस्ट 90% हमारा ओवर हो गया है, ठीक है? तो उसमें नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी, अलग से दोनों पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये था सब मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। आई एम एन इंजीनियर रिसर्च स्कॉलर इन सोशोलॉजी, आई हैव क्वालिफाइड नेट इन सोशोलॉजी, ठीक है? एंड देन आई हैव टॉट एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक StudyIQ एंड Unacademy एंड आई हैव गॉट 6+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हम हमारा आज का मेन जो हमें स्टार्ट करना है, दैट इज यूनिट 5 के MCQs। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली करेक्टली डिफरेंशिएट्स ग्रोथ फ्रॉम डेवलपमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्या डिफरेंशिएट करता है ग्रोथ जो है, क्या ये क्वालिटेटिव चेंज है एंड डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव चेंज है? नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है एंड डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। ग्रोथ इन्वॉल्व चेंज इन हाइट वेट, वाइल डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शन, ठीक है? ये हम बोल सकते हैं, बाकी दो वाले भी गलत है इसमें, या पढ़ लेना, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ह्यूमन ग्रोथ, तो क्या डिस्क्राइब करता है? इट इंक्लूड्स इमोशनल एंड सोशल मच्योरिटी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टॉलर एंड हैवियर, इट इनकम्पैसेस द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन कग्नेटिव एबिलिटीज, या इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो जो तीनों चीज़ें हैं ये हम रिलेट करेंगे डेवलपमेंट से ज़्यादा एंड ग्रोथ से कम, ठीक है? एंड जो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टॉलर एंड हैवियर, ये किससे रिलेटेड होगा आपके? ग्रोथ से। डेवलपमेंट इन ह्यूमन इज कैरेक्टराइज बाय ओनली फिजिकल चेंजेस सच एज हाइट एंड वेट इंक्रीजेस। क्या सिर्फ फिजिकल चेंजेस होती है? नहीं, वो किसमें हमने देखने को मिलती है? ग्रोथ में। चेंजेस इन द एंडोक्राइन सिस्टम अलोन, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है हॉर्मोन्स वगैरह से रिलेटेड, क्या सिर्फ उसमें हम चेंज देखते हैं? नो। इंक्रीज इन मसल मास एंड बोन डेंसिटी ओनली? नो। एंड द आंसर वुड बी सी, द प्रोग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज, ठीक है? एंड देखो इस जो जो सेंटेंस ऐसे होंगे ना जहाँ पे कहीं जैसे अलोन लिखा हुआ है यहाँ पे या ओनली लिखा हुआ है, इनको हम एक्सट्रीम सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक? जिसमें लिखा होगा कि ओनली ये चीज़ होती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ मसल मास एंड बोन डेंसिटी बढ़ती है ओनली, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन होता है ये गलत होता है। लेकिन अगर आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो सही है, दैट इज अ डिफरेंट केस। अगर आपको आंसर नहीं पता है एंड कहीं पे एक्सट्रीम सेंटेंसेस दिए हुए हैं जहाँ पे अलोन लिखा है या ओनली लिखा हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो हो सकता है वो वाला ऑप्शन गलत हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट ह्यूमन डेवलपमेंट रादर देन ग्रोथ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रादर देन ग्रोथ कौन सी है इसमें? अ चाइल्ड इंक्रीजिंग इन हाइट एंड वेट? नो। अ टीनेजर एक्सपीरियंसिंग अ ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी? नो। अ टोडलर लर्निंग टू वॉक एंड स्पीक एंड इन फैक्ट डबलिंग इन वेट ओवर 6 मंथ्स? तो ये भी जो है ग्रोथ के रिलेटेड है, ये भी ग्रोथ है, ये भी ग्रोथ है, ये आपका डेवलपमेंट है।
क्योंकि जो हम डिफरेंट एज में डिफरेंट माइलस्टोन्स अचीव करते हैं वो हमारा एक डेवलपमेंटल प्रोग्रेस होता है, ठीक है। कि जैसे इन्फेंट थे तब हम क्या करते थे, फिर हम प्री स्कूलर्स बन गए, टोडलर्स बने, टोडलर्स में हमारी क्या अचीवमेंट्स थी, अब हमने बोलना सीखा, हमने चलना सीखा, तो उनको हम डेवलपमेंट बोलते हैं हम। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमंस? ग्रोथ इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस व्हाइल डेवलपमेंट इज प्योरली फिजिकल। नो, ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वेयर एज डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर एडोलसेंस। नहीं, ये उल्टा है ना, डेवलपमेंट जो है ये जिंदगी भर चलती रहती है, ग्रोथ की एक लिमिट है। जैसे आपकी फिंगर्स ग्रो हो गई तो उनकी एक लिमिट है, ऐसा नहीं पूरी जिंदगी फिंगर्स ग्रो होती रहेंगी तो फिर गंगाधर बन जाओगे। देखा है शक्तिमान गंगाधर कैसे अपना हाथ लंबा करता था, तो ये भी नहीं है। डेवलपमेंट ओनली पर्टेन्स टू द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैच्योरेशन व्हाइल ग्रोथ पर्टेन्स टू द साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो डेवलपमेंट सिर्फ ओनली पर्टेन्स टू द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैच्योरेशन। तो ये मैच्योरेशन क्या होता है डेवलपमेंट में, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड ग्रोथ जो है ये सिर्फ साइकोलॉजिकल चेंजेस है, नहीं, आंसर ये भी नहीं होगा। तो आंसर वुड बी बी, डेवलपमेंट इंक्लूड्स एनहेंसमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज व्हाइल ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द फिजिकल साइज। ठीक है, मैच्योरेशन मैंने आपको कहा था, इसमें क्या होता है आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, वो सारा डेवलपमेंट, ठीक है, तो मैच्योरेशन में आता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेशन ऑफ मोटर कंट्रोल इन इन्फेंट्स, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू दे कंट्रोल गेन कंट्रोल ओवर द लास्ट। ठीक है, तो लास्ट में वो कंट्रोल किस में आता है, उनके हेड में पहले आता है, शोल्डर्स में भी स्टार्टिंग में आता है, आर्म्स एंड एब्डोमेन, तो लास्ट में आता है हैंड्स एंड फिंगर्स। तो मैंने आपको दो पढ़ाए थे ना, जो अप टू डाउन होता है एंड सेंटर टू आउटवर्ड्स होता है, ये हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। बाय वट एज कैन इन्फेंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कलर शेप्स फेमिलियर वर्सेज अनफेमिलियर फेसेस? तो किस एज से होना शुरू हो जाता है, बाय 6 months। हाउ मेनी वर्ड्स कैन अ बेबी टिपिकली प्रोड्यूस बाय 12 month ऑफ एज? 12 month ऑफ एज तक टिपिकली कितने वर्ड्स प्रोड्यूस करने लगता है, 30 to 50, एंड उसके बाद 400 वर्ड्स, ठीक है, जब वो टॉडलर तक, टॉडलर वाली एज में जाना शुरू हो जाता है। विच सेंस इज द मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन न्यू बॉर्न एट बर्थ? तो कौन सा सेंस सबसे पहले डेवलप होता है, बहुत ज्यादा डेवलप होता है, मतलब अच्छी तरीके से? दैट इज योर टेस्ट, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग से दूध पीता है। अगर बच्चे को आप पैदा होते कोई मेडिसिन या कुछ वैसी कड़वी चीज पिलाओ तो वो ही विल बी एबल टू रिकग्नाइज, कि उसके टेस्ट बर्ड्स को पता चलेगा ये जो चीज है ये नॉर्मली खाने पीने वाली नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड मोटर एबिलिटी इन इन्फेंट? तो कौन सा तरीका वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है, दैट इज फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज इनवर्ड्स? नो, फ्रॉम टोज टू हेड? नो, ये उल्टा है। फ्रॉम लेग्स टू आर्म्स? ये भी उल्टा है। फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी आउटवर्ड्स? ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक, तो आंसर वुड बी सी। At what age do children typically start showing positive emotions like love and affection? तो love and affection typically वो किस age से जो बच्चे हैं वो दिखाना शुरू करते हैं, that is 3 years old. During early childhood, particularly after the age of 2, children transition from sensory motor processes to which of the following? तो after the age of 2 जो बच्चे हैं, they transition from sensory motor processes से किस स्टेज में वो जाते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज फिजिकल कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस? नो, सोशल इंटरेक्शंस भी नहीं, इमोशनल रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल भी नहीं। तो सेंसरी मोटर प्रोसेसेस से वो किस में उनका ट्रांजिशन होता है, एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, ड्राइंग इन्फेरेंसेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो आपको क्या करना है, कॉमेंट्स में बताना ये कौन से ईयर ग्रुप, एज ग्रुप कौन सा आता है अर्ली चाइल्डहुड का, ठीक है, ये हमने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कग्नेटिव डेवलपमेंट, मैं इस एमसीक्यूज में आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिनके आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में बताओगे, जो मैं आपको नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं ऐसे तो आपका टेस्ट नहीं लेती ना, कहीं ऑफलाइन सेंटर में आप आओ और मैं आपको एसेस कर पाऊँ, बट एज अ टीचर मुझे भी देखना है जितना मैंने पढ़ाया हुआ है वो किसी काम का है कि नहीं, आर यू एबल टू रिकॉल दोज थिंग्स, ठीक है। वट सिग्निफिकेंट कैटेगराइजेशन डू चिल्ड्रन मेक ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड? तो कग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी सिग्निफिकेंट कैटेगराइजेशन बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में कर पाते हैं? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वो जेंडर कैटेगराइजेशन कर पाते हैं, ठीक है, तो आंसर वुड बी सी। विच आर द फॉलोइंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अकर ड्यूरिंग द प्री स्कूल पीरियड अर्ली चाइल्डहुड? तो जो प्री स्कूल पीरियड है जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं, इसमें कौन सा डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है वो आता है? द आंसर इज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। काफी डेवलपमेंट्स इस स्टेज में भी होती हैं, तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आंसर होगा लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो इस एज ग्रुप का बच्चा सीखना शुरू हो जाता है। व्हाट इज द रेंज फॉर द लेटर चाइल्डहुड? लेटर चाइल्डहुड की एज रेंज क्या है? 6 to 12 years।
अकॉर्डिंग टू प्याजे, वट इज अ टर्म फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द लेटर चाइल्डहुड वेन द चिल्ड्रन डेवलप्स देयर इंटेलेक्चुअल केपेबिलिटीज थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. तो वो कौन सी स्टेज आती है? द आंसर इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. ठीक है, तो हमने जीन प्याजे पढ़ा था, ये मैंने आपको मैराथन में भी पढ़ाया है, मेन लेक्चर्स में भी पढ़ाया है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी पढ़ाया है. तो जो प्याजे की थियोरी थी, तो आपको क्या करना है कॉमेंट सेक्शन में, आपको इसकी क्रोनोलॉजी लिखनी है कि पहले कौन सी स्टेज थी. ठीक है, ए बी सी डी करके जैसे है, आप क्रोनोलॉजी लिख दो कि पहले कौन सी है, बाद में कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है. एंड जिनको ये नहीं पता है ये क्या होता है, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला मेरा वीडियो है, वो टॉपिक्स देख सकते हैं, या इफ दे हैव टाइम तो वो मैराथन सीरीज भी देख सकते हैं. ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं पुट कर रही हूँ ये अपने रेगुलर वॉचर्स के लिए पुट कर रही हूँ. ड्यूरिंग द लेटर चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज इंप्रूव सिग्निफिकेंटली. तो लेटर चाइल्डहुड में कौन सी एबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है? दैट इज योर लैंग्वेज एंड इमोशनल रेगुलेशन. नहीं, लैंग्वेज हमने अभी पढ़ा, सेंसरी मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स. नहीं, वो उससे पहले हो गई होती है. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है. आंसर वुड बी सी, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. 18th is participation in physical activities and games during later childhood helps children develop which of the following. ठीक है, तो पार्टिसिपेशन फिजिकल एक्टिविटीज में एंड गेम्स में लेटर चाइल्डहुड में कौन सी जो बच्चों में एबिलिटी है वो डेवलप करवाती है? द आंसर इज अ कंसेप्ट ऑफ देमसेल्स. ठीक है, तो वो खुद को पहचानना शुरू हो जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं एंड उनका पोटेंशियल, उनमें केपेबिलिटी कितनी है. 19th, अकॉर्डिंग टू शीही एंड गोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल इन देयर 20s. तो क्या होता है 20s में, ज्यादा कौन सा चीज फीलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स के अंदर आती है? द आंसर इज एम्बिशन एंड स्ट्राइविंग. ये वही है ना, जब हमने करियर ओरिएंटेड होते हैं, आई एम श्योर जो जितने लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं देख रहे हैं मोस्टली उनमें 20s में ही होंगे. ठीक है, तो ये आपकी एज है जब आप किस पे ध्यान दे सकते हो, अपने करियर पे. व्हाट टर्म डज शी ही यूज टू डिस्क्राइब द एज ऑफ द इंडिविजुअल्स इन देयर 20s? तो क्या बोला था उन्हें 20s में जो लोग थे उनको? द डाइंग 20s. What term is used to describe the phase during the 40s where individual often feel a sense of uprooting and dissatisfaction? अब 40s में आ गए, चेहरा थोड़ा बहुत चेंज होना शुरू हो गया, रिंकल्स आ गए, थोड़े बहुत किसी का वेट बढ़ गया. ठीक है, तो उसको मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं. मिड लाइफ क्राइसिस वाले फेज में आ गए लोग. सब वो फेस नहीं करते, पर ऐसा होता है 40s में आने के बाद. एंड अगर आप देखोगे, अगर आप मेल कैटेगरी देखोगे, जैसे उनकी एज बढ़ती है 40s में वो ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, एंड जो फीमेल्स हैं उनकी एजिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, तो 40 में आते आते वो एजिंग उनकी होना शुरू हो जाती है. इसकी एग्जांपल अगर आप देख लो, पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस देख लो, ठीक है, जिनके साथ काम करते थे, जैसे शाहरुख खान ने माधुरी के साथ किया है, सलमान खान ने माधुरी के साथ किया है, अभी इतने एज हो गए हैं, अपने से आधी उम्र की लड़कियों से काम करते हैं, तो वो दिख जाता है. ठीक है, वो इंसान टॉलरेट कर सकता है. लेकिन अगर ये अपने टाइम की एक्ट्रेसेस जैसे माधुरी, श्रीदेवी, उनके साथ काम करते हैं, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना. हमारी सोसाइटी के जो नोशंस बने हुए हैं उस हिसाब से कि लड़की बड़ी नहीं हो सकती है. कहने का क्या मतलब है कि लड़कियों की एजिंग ज़्यादा हो जाती है, वो पहले बड़ी दिखना शुरू हो जाती हैं. जो लड़के होते हैं, मेल्स होते हैं, वो अपने 40s में आके ज़्यादा हैंडसम हो जाते हैं. ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं आप सब इसे अग्री करोगे कि नहीं, कोई मैंने अभी इसका कोई साइंटिफिक ये नहीं देखा हुआ है. Which of the following is a common physical change experienced during mature childhood? तो mature childhood में कौन सी एक common physical change हमें देखने को मिलती है? That is thickening of face line and graying hair. यही आपका phase है midlife crisis वाला. What significant hormonal changes in women during mature childhood can generate anxiety and depression? तो जब वो अपने mature childhood में आती हैं females, उनको क्या face करना पड़ता है? Menopause. ये क्या होता है मेनोपॉज? जब उनकी मेंस्ट्रुएशन जो है वो रुक जाती है, उसके बाद वो पीरियड्स उनमें नहीं आते, एंड इसकी वजह से काफ़ी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं उनमें. हम में तो वैसे फीमेल्स में पूरी ज़िंदगी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, हर महीने अप डाउन हार्मोन्स होते हैं, तो इस वजह से भी लाइफ जो है थोड़ी डिफिकल्ट लगती है कभी. 24 क्वेश्चन, इन एज चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स आर मोर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ एंड डेथ, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ दिस कंसर्न? ठीक है, तो ज़्यादा कंसर्न किसके बारे, एज एडल्टहुड में आ गए, अबाउ 65 आ गए, तो ज़्यादा कंसर्न किसका होता है? हेल्थ का, एंड अब तो हमें मरना ही है, वो वाली फीलिंग आ जाती है. तो इसमें क्या हो जाता है? मोर फ्रीक्वेंट विजिट टू डॉक्टर्स. द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड इन डिफरेंट वेज इज नोन एज, कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिफरेंट रेट्स पर डेवलप होते हैं एंड डिफरेंट फेज में, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियलिटी. ठीक है,
अब डिफरेंशियलिटी मतलब यही कि जैसे माइलस्टोन्स मैंने आपको बताया, जैसे 2 0 to 2 years तक के कोई माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों के, लेकिन सारे वो अचीव नहीं कर पाते। जैसे आपने घर में देखा होगा छोटी एज के बच्चे होते हैं, उनमें भी काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है, कोई बच्चा नहीं बोलता है, काफ़ी 4 years तक 5 years तक भी नहीं बोल पाता है। तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस भी हैं, ये भी वैरी करती हैं, डिफरेंट रेट की होती है एंड डिफरेंट वेज में आती है लाइफ में। विच टर्म डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट पैटर्न वेयर ग्रोथ प्रोग्रेसेस फ्रॉम हेड डाउनवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ऊपर से लेकर हेड से, फिर आगे आपकी गर्दन, फिर एब्डोमेन बेली, फिर आगे आपकी लेग्स एंड लास्ट में आगे आपकी फीट। ठीक है, तो ये जो जब हम इसको टॉप टू डाउन देखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट। ठीक है, एंड प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है, वट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व कंट्रोल ओवर फिंगर्स एंड हैंड्स। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है, चलो मैं यहाँ ही बता देती हूँ। प्रोक्सिमो डिस्टल होता है जब आपका सेंटर से आउटवर्ड्स होता है, लाइक पहले नेक थोड़ी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, फिर शोल्डर्स एक्टिव होंगे, उसके बाद आर्म्स जो है, ठीक है, एंड लास्ट में फिंगर्स। ऑल्दो वो मूव तो कर पाता है ना, आर्म्स एंड फिंगर्स मूव कर पाता है, लेकिन वो एक जनरल मूवमेंट होती है स्पेसिफिक, जैसे उंगलियों से कोई चीज ग्रैब करना, वो चीज जो उंगलियों का काम होता है कोई चीज ग्रैब करना, वो उंगलियां लास्ट में करेंगी। तो पहले शोल्डर मूवमेंट्स, फिर आर्म्स, फिर आपकी फिंगर्स लास्ट में। तो दो तरीकों से आता है, सिफेलोकॉडल होता है एंड प्रोक्सिमोडिस्टल, इनको दो नाम दिए हुए हैं। ठीक है, टॉप टू डाउन एंड सेंटर टू आउटवर्ड्स। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको बोला जनरली टू स्पेसिफिसिटी, जनरलिटी में आता है जनरल मूवमेंट, कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं होती है। फिर स्पेसिफिक हुआ, जैसे बच्चा आप कंसिडर करो, ठीक है, वो ऐसे पहले हाथ पैर हिलाता रहता है, वो जनरल मूवमेंट होती है। फिर वो ऐसे ऐसे ग्रैब करना चीजें शुरू करता है, वो स्पेसिफिक मूवमेंट होती है। तो जो डेवलपमेंट होती है इंसान की, वो जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी आती है। वट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व कंट्रोल और फिंगर्स एंड हैंड्स। तो कंट्रोल और फिंगर्स एंड हैंड क्या हुआ, उसको कौन सी टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स किसको बोलते हैं, जो कॉमेंट्स में क्या लिखोगे वो तो आगे का क्वेश्चन ही है। इन फिजिकल डेवलपमेंट वट डज ग्रॉस मोटर स्किल्स प्राइमरीली इन्वॉल्व। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या हुआ, कंट्रोल ओवर लिम्स आर्म्स एंड लेग्स। तो ये याद रख लेना, फाइन होता है फिंगर्स, एफ से याद रख लो, एफ से फिंगर्स, एफ से फाइन, एंड दूसरा ग्रॉस होगा तो वो फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है, वो आर्म्स एंड लेग्स होगा, दैट मीन्स योर लिम्स। ठीक है, एफ से हो गया फाइन मोटर स्किल्स, इज योर फिंगर्स एंड हैंड्स। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। तो साइकोलॉजिस्ट थे ये जीन पियाजे, एंड इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे काफी काम किया था। तो इन्होंने क्या कहा था, ऐसी कौन सी टर्म है जो डिटरमिन करती है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द की दुनिया का मीनिंग जो है वो अपने एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं, एंड दैट टर्म वॉज एसिमिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे को कोई बर्ड दिखाओ, बोलो देखो वो जो उड़ रही है ना वो चिड़िया है, उसके बाद बच्चे के दिमाग में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो क्या मीनिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, वो हर उड़ने वाली चीज को चिड़िया बोलेगा। फिर चाहे आप उसको ईगल दिखाओ, आप उसको बटरफ्लाई दिखाओ, आप उसको पहले लगेगा कि ये कोई बर्ड है। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, एसिमिलेशन। ये कल्चरल एसिमिलेशन नहीं है, ये जीन पियाजे ने जो चाइल्ड डेवलपमेंट में एसिमिलेशन दिया था ये वो है। एट व्हाट स्टेज ऑफ पियाजे थियरी डज अ चाइल्ड बिगिन टू एंगेज इन सिम्बॉलिक प्ले एंड डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। तो लैंग्वेज स्किल्स और सिम्बॉलिक प्ले किस एज में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन टिपिकली इमर्ज, वेयर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इवन इफ द शेप चेंजेस। तो ये किस स्टेज में आता है, ये आता है आपके कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो क्या है कि वेयर द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इवन इफ द शेप चेंजेस। तो ये वो वाली स्टेज है जब बच्चे को, जैसे आपको मैंने कहा था 3 + 1 = 4, एंड अगर 2 + 2 = 4, तो अगर 3 + 1 = 4 है तो 2 + 2 = 4 भी हो सकता है, इस स्टेज में ये पता चलता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल इसकी ले सकते हो, जैसे बच्चे को मोल्डिंग क्ले दे दो प्ले करने के लिए, एक को छोटा सा क्वांटिटी सेम ले लो, एक को छोटी सी बॉल बनाओ, उतनी ही क्वांटिटी को ऐसे करके एक सिलेंड्रिकल शेप दे दो। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे को ये पता चल जाएगा कि अगर बॉल बनी है एंड यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप बनी है इस क्ले की, लेकिन जो क्वांटिटी है ओवरऑल क्ले की ये सेम है। ठीक है, तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है ये इस स्टेज में। According to Piaget, what is the term for the process of adjusting existing mental frameworks to accommodate new information? अब कैसे accommodate करते हैं new information? जैसे assimilation में मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको हर उड़ने वाली बर्ड को, हर उड़ने वाली चीज को वो क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्या उन्होंने टर्म दिया एक चीज को, उसके बाद क्या हो जाता है कि एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क को एडजस्ट करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को एकोमोडेट करने के लिए।
ये वो स्टेज है जिसमें समझ जाएंगे कि बर्ड जो है वो अलग है, बटरफ्लाई जो है वो अलग है, ऑल द दोनों फ्लाई कर रहे हैं. एंड ये इन्फॉर्मेशन ये अकोमोडेट करेंगे एंड इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे. या उनका पेट डॉग अगर किसी बच्चे का होगा, उसके चार टांगे होंगी, तो उनको पहले क्या लगेगा एसिमिलेशन वाली स्टेज में कि हर चार टांगों वाला जानवर बर्ड होता है, ठीक है, सॉरी डॉग होता है. उसके बाद इस स्टेज में आके इसको एकोमोडेशन इसका आंसर है. इस फेज में क्या होगा कि उनको जब वो कैट को भी चार, कैट की भी चार लेग्स देखेंगे, तो उनको ये रियलाइज होगा नहीं, डॉग जो है वो अलग होता है एंड कैट अलग होती है एंड दोनों की चार टांगे हैं. विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज बाय द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, सॉल्व हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स एंड एंगेज इन डिडक्टिव रीजनिंग, दिस इज योर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ठीक है, ये सारी स्टेजेस हमने पढ़ी हैं. विच डेवलपमेंटल पैटर्न इन्वॉल्व्स ग्रोथ प्रोसेसिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड, तो वो कौन सा है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर. वट इज द साइंस दैट डील्स विद फूड्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ. ठीक है, अब हम फूड वाले इसमें आ गए, तो क्या इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ द फूड. फूड अब मैंने आपको बोला इसमें क्या आते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं प्लस नॉन न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं. न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, या आपके मिनरल्स वगैरह जो आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स हो गए आपके फूड कलरिंग्स, जैसे फूड कलरिंग्स होती हैं फूड में. ठीक है, तो फूड इंक्लूड्स ओनली एसेंशियल सब्सटेंसेस नोन एज न्यूट्रिएंट्स. नहीं, इनमें नॉन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. फूड इज अ सिंपल मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स, इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. फूड मस्ट बी इन सॉलिड फॉर्म टू प्रोवाइड एसेंशियल सब्सटेंसेज, नो ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है. फूड व्हेन स्वॉलोड, डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड इन द बॉडी प्रोवाइड्स एसेंशियल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ये सही है. जैसे मैंने आपको क्या बोला था, पहले स्वॉलोइंग होती है आपकी, इंजेशन होती है, डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं आपके इंटेस्टाइन से, जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. तो आंसर वुड बी डी. Which statement correctly describes the composition of food? Complex mixture of nutrients and non-nutrients. Answer would be C. Which nutrient categories are primarily responsible for providing energy to the body? तो energy हमें कहाँ से मिलती है? Energy हमें मिलती है carbohydrate and fat से. इनको body fuels भी बोलते हैं. Why are carbohydrates and fats referred to as body fuels? क्योंकि they supply energy to the body. What nutrients is essential for the growth and repair of the body and is often called the bodybuilding food? वो कौन से होते हैं आपके proteins? जैसे हमारी cells होती हैं वो grow करती हैं, worn out हो जाती हैं कुछ cells, उनको regrow करना होता है. ठीक है, तो वो जो उनकी growth and repair का काम है, growth and repair का, वो कौन करता है? वो proteins करते हैं. Which nutrients contribute substantially to both protective and regulatory functions in the body? वो कौन करते हैं? Vitamins and minerals, ये पढ़ा हुआ है. According to ancient Vedic tradition, which type of food is believed to increase intellectual capacity and creativity, energy and cheerfulness? तो वो कौन से type of food होता है? वो आपके होते हैं सात्विक foods. Which of the following foods are considered as rajasic? हमारे कौन से होते हैं? तीन types के होते हैं, सात्विक, तास्मिक and रजासिक. तीनों पे question based है, इसीलिए मैंने यहाँ पे explain नहीं किया. आर कंसिडर्ड रजासिक अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशंस. तो वैदिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग राजसिक फूड कौन से होते हैं? दैट इज योर फिश, मीट एंड एग. वट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ तास्मिक फूड्स अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन? ये कौन से होते हैं? ये स्टेल होते हैं, रीहीटेड, टेस्टलेस एंड इम्प्योर फूड माने जाते हैं तास्मिक फूड्स. न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस दे कंटेन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड इन द फिजियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ द न्यूट्रिशन? तो फिजियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ द न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. तो आंसर वुड बी ए. न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन व्हाट क्राइटेरिया? तो किस क्राइटेरिया पे हम इनको मैक्रो माइक्रो बोलते हैं? इस क्राइटेरिया पे कि हमारी बॉडी में कितने कितने न्यूट्रिएंट की क्या कितनी रिक्वायरमेंट है. जो न्यूट्रिएंट लार्ज क्वांटिटीज में बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो मैक्रो है, बाकी माइक्रो है. तो आंसर इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी टू बी कंज्यूम डेली. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस न्यूट्रिशन? The study of how food tastes and its culinary applications. No, the process of growing and harvesting food. The study of food production and distribution. The answer is में ज़्यादा appropriate कौन सा है? B. The science of food, nutrients and other substances they contain. वो define करता है nutrition को, क्योंकि उसी चीज़ पे आपका nutrition depend होता है.
What does it imply if a balanced diet meets the recommended dietary allowances RDAs फॉर एन इंडिविजुअल. तो आर डी रिकमेंडरी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज है वो क्या होता है. द डाइट इंक्लूड्स अ सेफ्टी मार्जिन. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था वो आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक, तो सेफ्टी मार्जिन क्या होता है, वो हम हर दिन वीकली डेली हम कोई सेफ्टी मार्जिन भी कंज्यूम करते हैं ताकि जब हमारे बॉडी को फूड ना मिले बीमारी की वजह से या फास्ट रखा होगा उसकी वजह से, तो हमारा न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो है बॉडी का वो खत्म नहीं हो जाए तो भी हमारी बॉडी फंक्शन करे. और उन दिनों में जिन दिनों हम कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे, फूड नहीं खाएंगे, तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, वो उन्हीं सेफ्टी मार्जिन से आता है जो हमने डेली वीकली बेसिस पे कंज्यूम किया होता है. इसीलिए देखते हैं जैसे रमजान का महीना होता है जब हम नहीं खाते हैं कुछ, तो हम तो भी अपना डेली काम आराम से कर पाते हैं क्योंकि हमने वो सेफ्टी मार्जिन जो है कंज्यूम करे होते हैं. या जैसे आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं या बाकी कुछ फास्ट रखते हैं, ठीक है, या कोई बीमारी की वजह से नहीं खा पाता, तो उस टाइम पे वो सेफ्टी मार्जिन से न्यूट्रिशन आता है. विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफ्रेंशिएट्स एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया. ठीक है, तो दोनों मैंने आपको बताए हुए हैं, दोनों यहाँ पे डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा क्या है. एनोरेक्सिया नर्वोसा इज टाइड टू बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन एंड इज मोस्ट कॉमनली सीन इन एडोलसेंस, विच वाइल बुलिमिया ऑफ्टन बिगेन्स इन द लेट एडोलसेंस और अर्ली एडल्टहुड आफ्टर अनसक्सेसफुल वेट रिडक्शन डाइट्स. ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा. ठीक है, यही है इसका आंसर. तो इसमें क्या होता है, एनोरोक्सिया में आप अगर किसी को बोलो बार बार कि हाँ आप अच्छे दिखते हो, पर वो नहीं मानेगा कि नहीं मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ. ठीक है, एंड बुलिमिया में क्या होता है कि आप पहले खाते हो, उसके बाद आपको गिल्ट हो जाता है, आप सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिट करते हो, वॉमिट करोगे कि मैंने अभी जो खाया मैं बाहर सारा निकालूं, फिर से बिंज ईटिंग करते हो और फिर से गिल्ट में आ जाते हो एंड फिर से आप वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हो, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग. तो इतना सारा कि फाइनली एक थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है ट्रीट करने के लिए. तो आंसर वुड बी ए. द टर्म फिजियोलॉजी इज डेराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स फिसेस एंड लोगोस, बट डू दीज वर्ड्स मीन. ठीक है, तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ, फिसेस का मतलब होता है बॉडी एंड लोगोस का मतलब होता है साइंस. ठीक, फिजियोलॉजी एग्जामिन्स लाइफ फंक्शंस विद इन विच स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी. तो लाइफ फंक्शंस देखता है विद इन विच स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, दैट इज योर सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. तो फिजियोलॉजी से आपको पता चलता है आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं, फंक्शनिंग ऑफ सारे ऑर्गन जो है वो बराबर हो रहे हैं या नहीं. विच ग्रीक वर्ड्स आर द ऑरिजिन ऑफ द टर्म फिजियोलॉजी. अच्छा ये रिपीट हो गया है, फिसिस इज योर बॉडी एंड लोगोस मीन साइंस. यहाँ पे गलत हो गया, इट इज योर बॉडी. ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना. वॉट इज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ ड्यूरिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी. तो मेन गोल क्या होता है हेल्थ प्रमोट करने का वाइल अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी. तो इसका आंसर है इनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ बॉडीली फंक्शंस. ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है ये, कैसे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ एंड वो सारी चीजें किससे रिलेटेड होती हैं, कि आपकी जो बॉडी है उसके सारे ऑर्गन्स हैं वो एफिशिएंटली काम करने चाहिए. ठीक है, उस तरीके से हेल्थ प्रमोशन करते हैं कि अपनी बॉडी पे ध्यान दो. फिजियोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं, आपको एक्सटर्नल मेडिसिन दी जाएंगी आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए. फिजियोलॉजी आपको बताता है कि आपकी बॉडी, जैसे आपका बीपी है वो कितना होना चाहिए कि आपके इस सारे ऑर्गन से नॉर्मली काम करेंगे, आपकी किडनी जो है वो कैसे फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितने अमाउंट का होना चाहिए कि बॉडी सारी प्रॉपर फंक्शनिंग करे. तो हेल्थ प्रमोशन और फिजियोलॉजी दोनों में आपस में गहरा क्या है, लिंक. विच द फॉलोइंग इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ. प्रमोटिंग हेल्थ का की कॉम्पोनेंट क्या है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है. हाउ डज अ बैलेंस डाइट कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रमोटिंग हेल्थ. कैसे प्रमोट करता है ये, बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, या रिड्यूस करता है द नीड फॉर स्लीप, इंक्रीज करता है ससेप्टेबिलिटी टू डिजीजेस, या वेट गेन कॉज करता है. तो ये भी कॉमन सेंस क्वेश्चन है, आंसर वुड बी ए. विच प्रोसेस इन फिजियोलॉजी इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी. मैंने आपको पढ़ाया हुआ, इट इज मेटाबॉलिज्म. रिप्रोडक्शन हमें पता है, एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली इनको इम्पल्स जनरेशन बोलते हैं. जैसे अगर आपके सामने कप पड़ा हुआ है, आपको कप हाथ में लेना है, ठीक है, तो आपके दिमाग से क्या होगा, सिग्नल आएंगी कि आपको कप जो है वो उठाना है, आपको चाय पीनी है. एंड जब आप मग उठाते हो उसके लिए आपको मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना जरूरी है, एक मसल्स मूव होंगी, तो एक्साइटेशन होगा जो पल्स जनरेट होगी एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होगा आप मसल मूव करके कप को हाथ में लोगे. Why is understanding physiology important for health professionals? ये क्यों उनके लिए important है, क्योंकि help करते हैं उनको understand करने में how body system functions, interact, aid in diagnosis and treatment.
अगर आपको आप किसी फिजिशियन के पास जाते हो या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, उनको पहले आपकी बॉडी की समझ होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए जो ऑर्गन है वो कैसे काम करना करना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन कैसी होनी चाहिए, तभी वो जाके कोई डिजीज डायग्नोज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ? तो इसके लिए क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। वट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी? प्राइमरी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन वट फॉर्म इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यूज बाय द बॉडी? किस फॉर्म में यूज होता है, ग्लूकोज। वट आर द कार्बोहाइड्रेट्स मेनली स्टोर्ड, वेयर आर कार्बोहाइड्रेट्स मेनली स्टोर्ड इन द बॉडी? तो मेनली कहाँ पे स्टोर होते हैं, लिवर एंड मसल्स। वट हैपन्स टू द बॉडी वंस इट स्टॉप्स ईटिंग? तो क्या हो जाता है बॉडी को जब बॉडी हम खाना छोड़ देते हैं और बॉडी को कोई खाना नहीं मिलता है? इट बिगेन्स टू लिव ऑन इट्स फैट। ठीक है, और यही जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ फॉर दोज हु वॉन्ट टू रिड्यूस वेट, यही कॉन्सेप्ट है आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग का, कि जब आप काफी टाइम तक नहीं खाओगे, जो बॉडी के रिजर्व एंड स्टोर्ड फैट्स हैं वो क्या करते हैं, वहां से वो फैट जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड वो फैट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड वे है इंटरमिटेंट फास्टिंग, सेफेस्ट इफेक्टिव वे है वेट लॉस का, एंड इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं। तो जिनको चाहिए उनके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एंड अगर इसकी कोई डिटेल आपको चाहिए कैसे वेट रिड्यूस करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो वो मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, मैं उनको इसमें गाइड कर पाऊंगी। वट आर द फैट स्टोरिंग डिपॉट्स इन द बॉडी कॉल्ड? उनको क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स, जहाँ पे फैट स्टोर होते हैं। हाउ डज फैट हेल्प ड्यूरिंग कोल्ड सीजन? ये बॉडी को वार्म रखते हैं। ठीक है, इसीलिए जिनका थोड़ा वेट ज्यादा होता है उनको ठंड कम लगती है। जैसे ऐसा देखा जाता है ना, यूजुअली जब सारे कजन्स मिले होते हैं तो कजन्स के बीच में ऑफन ये लड़ाई होती है, फैन ऑन करूँ कि फैन बंद करूँ, क्योंकि जिनका वेट थोड़ा ज्यादा है उनको गर्मी लगती है एंड जो पतले होते हैं उनको ठंड लगती है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वेट जो होता है वो आपको गर्म, ये जो फैट होता है वो आपको गर्म रखता है। वट रोल डज फैट प्ले अराउंड द ज्वाइंट्स एंड मसल फाइबर्स? एक तो बॉडी वार्म रखता है एंड ये एज अ कुशन एक्ट करता है टू प्रिवेंट इंजरी। ठीक है, अगर आप जिसका वेट थोड़ा ज्यादा है, अगर उसके आप बाजू पे थोड़ा मारो ऐसे करके, उसको उतनी नहीं लगेगी, लेकिन जिसकी सिर्फ मसल्स और हड्डियां हैं उसको आप मारो तो उसको ऐसा लगेगा सीधे से उसकी हड्डी पे चोट लगी है। ठीक है, तो क्योंकि उनके अंदर ये कुशन नहीं है जो उनको इंजरी से प्रिवेंट करे, होता है कम अमाउंट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फूड प्रोसेसिंग? तो क्या होता है, शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करना है, सेफ्टी इंश्योर करना। वट इज द मेन बेनिफिट ऑफ पास्चराइजेशन इन फूड प्रोसेसिंग? तो मैं अब यहाँ पे दोबारा से नहीं बोलूंगी पास्चराइजेशन क्या होता है, मैं तब बोलती अगर मैंने सिर्फ आपके लिए सिर्फ सिलेबस कंप्लीट वाली सीरीज लाई होती, पर मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाया, उसके बाद मैंने मैराथन सीरीज भी लाई जिसमें रिविजन हुआ इन सारी चीज़ों का, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली सीरीज चल रही है जिसमें अगेन इन चीज़ों का रिविजन हो रहा है। तो एमसीक्यूज अब हमारे अननेसेसरी लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करने लगूँ ये प्रोसेस भी। तो इनके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो है उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने दोबारा से एक्सप्लेन किए हैं, वहां पे देख सकते हो। तो यहां हम जल्दी इसका आंसर बोलते हैं, आंसर है बी, किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड प्रिजर्वेशन? क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड। वट इज द पर्पज ऑफ फूड एडिटिव लाइक इमल्सिफायर्स? तो क्या करता है इमल्सिफायर एड क्या एंड फूड एडिटिव लाइक इमल्सिफायर, क्या इनका पर्पज होता है? इनका पर्पज होता है इम्प्रूव करना टेक्स्चर एंड कंसिस्टेंसी। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको नेचुरल इमल्सिफायर एग की एग्जाम्पल भी दी थी, ठीक है, जो हम आइसक्रीम में यूज करते हैं ताकि वो एक कंसिस्टेंसी आ जाए उसमें। वट टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्निक इन्वॉल्व कुकिंग फूड इन सील्ड कंटेनर्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ठीक है, तो सील्ड कंटेनर्स किन के लिए यूज होते हैं, वो कैनिंग में यूज होते हैं। वट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई प्रेशर प्रोसेसिंग इन फूड प्रिजर्वेशन? तो हाई प्रेशर प्रोसेसिंग यूज करने से क्या होता है, इससे ये यूज होता है कि इसमें हमें हीट नहीं करना पड़ता, ठीक है, इट किल्स पैथोजन विदाउट यूजिंग हीट। तो याद रख लेना ये हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, बस अभी के लिए इसमें इतना ही याद रखो, ज्यादा अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग क्या होता है, उसमें हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए एक्सट्रीम वो मशीन्स होती हैं जिनमें एक्सट्रीम प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, एंड इट ऑल हैपन्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट। विच फूड प्रोसेसिंग मेथड इज कॉमनली यूज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट एंड सॉरक्रॉट? वो कौन सा होता है आपका, फर्मेंटेशन, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है लेक्चर्स में, ये कैबेज की एक डिश बनती है। वट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव इन फूड प्रोसेसिंग? तो क्या प्राइमरी फंक्शन है, अगेन एक्सटेंड करना शेल्फ लाइफ को, शेल्फ लाइफ ऑफ फूड बाई इनहिबिटिंग क्या, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है।
विच फूड प्रोसेसिंग टेक्निक इन्वॉल्व द यूज ऑफ गामा रेज टू किल द बैक्टीरिया टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ. तो गामा रेज हम किस में यूज करते हैं? फूड इरेडिएशन में. ठीक है, इसमें हमने दो एलिमेंट्स पढ़े थे, वो सी से आते हैं दोनों. वो क्या है वो आप क्या करोगे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे. इन फूड साइंस वॉट इज अ मेलियार्ड रिएक्शन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर? तो मेलियार्ड रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा है. तो बेसिकली मेलियार्ड रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो फूड आइटम होता है उसका अमाइनो एसिड, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं अमाइनो एसिड्स प्लस जो शुगर होता है फूड में वो प्रेजेंट, उनका रिएक्शन होता है. एंड इससे क्या होता है, जो आपका फूड आइटम है वो ब्राउन कलर एंड फ्लेवर उसमें आ जाता है, ब्राउन कलर एंड फ्लेवर जैसा आ जाता है उसमें. ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ये आप टोस्ट बनाते हो, टोस्ट जब बनाते हो तो वो ब्राउन कलर सा जो आता है ना उसमें, उसमें एक फ्लेवर डेवलप होता है, उसको मेलियार्ड रिएक्शन बोलते हैं. जो किस वजह से आता है, अमाइनो एसिड जो ब्रेड में प्रेजेंट होते हैं प्लस जो ब्रेड में शुगर होती है उनके बीच में एक रिएक्शन होती है. ठीक है, उस वजह से आता है, उसको मेलियार्ड रिएक्शन बोलते हैं. तो इसका आंसर वुड बी क्रिएटिंग फ्लेवर्स एंड ब्राउनिंग इन कुक्ड फूड्स. तो ये वीडियोज में, और ये आपको मैंने शायद अभी तक नहीं, मतलब ये टर्म हमने नहीं पढ़ाई गई. विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट कॉमनली फोर्टिफाइड इन प्रोसेस्ड फूड्स टू प्रिवेंट डेफिशिएंसीज? तो किसको हम फोर्टिफाई, मतलब किसको एक्सटर्नली हम ऐड करते हैं डेफिशिएंसीज प्रिवेंट करने के लिए? दैट इज योर वाइटमिन एंड मिनरल्स. तो इनको इंजेक्ट किया जाता है फूड में, क्योंकि फूड में अगर किसी एक चीज की, किसी वाइटमिन की, किसी मिनरल की डेफिशिएंसी है तो वो इसमें एक्सटर्नली ऐड हम करते हैं. विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय बैक्टीरिया एंड यीस्ट अंडर एनएरोबिक कंडीशंस? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अगेन योर फर्मेंटेशन. ये मैंने सारे प्रोसेसेस जो है डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, मैराथन में भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो में भी है एंड मेन सिलेबस वाले लेक्चर्स में भी है, तो वहां से आप देख सकते हो. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड? तो केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड हम क्यों करते हैं, प्राइमरी पर्पस क्या है? इंश्योर करना फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी. विच मेथड इज कॉमनली यूज टू डिटर्मिन द मॉइस्चर कंटेंट इन द फूड? ठीक है, तो इन सारे मेथड्स में से कौन सा मेथड हम मॉइस्चर कंटेंट के लिए यूज करते हैं? ओवन ड्राइंग मेथड. विच एनालिटिकल टेक्निक इज यूज टू मेजर फैट कंटेंट इन द फूड? तो फैट कंटेंट जो है फूड का वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए एक एपरेटिस भी आता है. ठीक है, उसका नाम क्या है, उसमें हम करते हैं सोलट एक्सट्रैक्शन. उस एपरेटिस को क्या बोलते हैं, सोलट एक्सट्रैक्शन एपरेटिस. ठीक है, वट इज जेलडेल मेथड मेजर इन फूड एनालिसिस? तो जेलडेल मेथड किसके लिए यूज होता है, प्रोटीन कंटेंट मेजर करने के लिए, ये भी हमने पढ़ा है. What technique is used to separate and identify volatile components of the food? तो volatile component of food हम किस मशीन से उस फूड को पास करवाते हैं, ठीक है, बाद में वो evaporate हो जाता है, फिर उसको evaporation को collect करते हैं. तो वो सारा process जो मैंने आपको explain किया हुआ है उसका नाम क्या था, gas chromatography. तो ये lectures में है, explain किया हुआ है. अगर अभी आपको वो, क्योंकि I understand ये वाला जो chapter था वो majority के लिए difficult था, इसीलिए इसकी revision series में मैंने आपको कहा कि इस टाइम पे कॉन्सेप्ट से मत जाओ, बस रटा करो. ठीक है, जिसको इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है गुड, जिसको नहीं है वो बस इतना रटा कर लो. जो वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ फूड है उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द मिनरल कंटेंट ऑन द फूड? मिनरल कंटेंट ऑन द इन द फूड कैसे मेजर किया जाता है, किस चीज से, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. What does HPLC stand for in food analysis? तो HPLC क्या होता है? The answer is high performance liquid chromatography. Which chemical analysis technique is used to determine the presence of specific vitamins in the food? तो specific vitamin in the food के लिए हम क्या use करते हैं? Again, this is high performance liquid chromatography. ठीक है, यही HPLC method. वो किसके लिए use होता है? Vitamins के लिए. तो अगर आपको detail में ये सारी चीजें फिर से एक बारी revise करनी है, फिर से एक बारी आपको देखनी है, ठीक है, किसी को कॉन्सेप्ट समझना है इन सारे मेथड्स का, जेलडेल मेथड या डुमास मेथड जो हम आगे देखेंगे जिसका क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे डिटेल वाले. विच मेथड इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ ए फूड सैंपल टू डिटरमिन इट्स मिनरल कंटेंट? तो हम किसको बर्न करते हैं एंड उसके बाद जो इनऑर्गेनिक रेजिड्यू रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जहां से हम मिनरल कंटेंट डिटरमिन कर सकते हैं, दैट इज योर एशरिंग. एशरिंग के दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे, वो कॉमेंट सेक्शन में बताओ कौन से टाइप्स होते हैं. What does spectrophotometry measure in food analysis? तो spectrophotometry किस लिए यूज होता है, ये कैसे यूज होता है? लाइट एब्जॉर्प्शन और द ट्रांसमिशन बाय सैंपल. तो किस पे बेस्ड होता है ये, बेसिकली वेव लेंथ पे. तो कौन सा फूड किस वेव लेंथ पे क्या लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ये सारी चीजें डिटर्मिन करती हैं, हमें हेल्प करती हैं फूड को एनालाइज करने में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स. What technique is used to identify amino acids in food proteins? तो किस technique से amino acid जो है वो हम देख सकते हैं, that is your thin layer chromatography.
व्हाट डज द टर्म क्रोमेटोग्राफी रेफर्स इन फूड एनालिसिस? तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ फूड इन अ मिक्सचर. व्हाट मेथड इज यूज टू डिटेक्ट पेस्टिसाइड्स एंड कंटेमिनेंट्स इन द फूड? तो पेस्टिसाइड्स एंड कंटेमिनेंट हम किससे डिटर्मिन कर सकते हैं? दैट इज योर गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, GCMS मेथड उसको बोलते हैं. विच फूड कॉम्पोनेंट इज मेजर्ड बाय द डिमास मेथड? तो डिमास मेथड किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है प्रोटीन के लिए. एंड इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कौन सा एलिमेंट, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन मेजर करके हम इसमें प्रोटीन डिटर्मिन करते हैं. वॉट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन इन केमिकल एनालिसिस? ठीक है, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होते हैं बेसिकली? उनसे क्या पता चलता है हमें, उनसे हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चलती है. हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन से पता चलता है कि कोई एक केमिकल कितने अमाउंट, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या केमिकल कितने अमाउंट जो है वाटर में डिजोल्व हुआ है, अमाउंट वाटर में डिजोल्व हुआ है. तो इससे हमें क्या पता चलेगा बेसिकली? कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस स्पेसिफिक एलिमेंट की. तो ये सर्व करता है एज ए रेफरेंस फॉर कॉन्सेंट्रेशन. विच टेक्निक इन्वॉल्व यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन साइज एंड चार्ज? तो ये सारा जो प्रोसेस है ये किसको हम बोलते हैं? ये हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को. वॉट इज द रोल ऑफ ए सॉल्वेंट इन लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन? तो सॉल्वेंट क्या काम करता है? ये सेपरेट करता है कंपाउंड्स को बेस्ड ऑन देयर सॉलिबिलिटी. सॉल्वेंट क्या होता है बेसिकली? कोई भी चीज जिसमें दूसरी चीज डिजोल्व हो सके, मोस्टली लिक्विड ही होते हैं जो दूसरी चीज को डिजोल्व कर सकते हैं खुद में. ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में गैसेस सॉल्वेंट भी होते हैं, सॉलिड भी एक्ट कर सकते हैं, पर मेजरली लिक्विड होते हैं. तो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन अगर हमें करनी है तो सॉल्वेंट इसमें क्या काम करेगा? सॉल्वेंट सेपरेट करेगा कंपाउंड को बेस्ड ऑन कि कौन कितना जो है उसमें डिजोल्व हो सकता है, तो बेस्ड ऑन देयर सॉलिबिलिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर एनालाइजिंग फूड प्रोटीन? तो फूड प्रोटीन्स के लिए कौन कौन सा मेथड इसमें नहीं आएगा? जेल डेल मेथड भी हम प्रोटीन्स के लिए यूज करते हैं, डुमास मेथड भी प्रोटीन. कैसे? एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन देख के कितना है उसमें. इलेक्ट्रोफोरेसिस भी प्रोटीन के लिए यूज हो सकता है. फेलिंग्स टेस्ट जो है ये प्रोटीन के लिए यूज नहीं होता है. तो आंसर वुड बी डी. फेलिंग्स टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए. रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर्स में, तो वहां से आप जो है इसकी डिटेल देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में ये सारी चीजें देखनी है क्या होती है. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो बस अब याद रख लो, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर था मेजोरिटी के लिए. अगर किसी के लिए अभी भी इजी है तो वो देख सकता है, बट टाइम डजेंट परमिट. सो माई सजेशन वुड बी कि अभी सिर्फ रट्टा कर लो जितना कर सकोगे, ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ. बाकी जो है उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वो मैंने काफी डिटेल में पढ़ाए हुए हैं. तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू खत्म होती है यूनिट 5 का भी. अब हमें क्या करना है, अब हमारा रहता है 5 यूनिट्स का हमारा मैराथन कंप्लीट हो गया, एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो गई. अब हम करेंगे अपने स्कीम्स का रिविजन. आई विल सी कि या तो वो मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में लेके आऊंगी, क्योंकि उसके आधे से ज्यादा आगे स्कीम्स जो है एक वीडियो में मैंने कवर की हुई है, तो कुछ ही स्कीम्स रहती है. या तो हम स्कीम सीधे डिस्कस करेंगे डायरेक्टली कंपाइल्ड पीडीएफ से, या तो वो एमसीक्यू फॉर्मेट में लेके आऊंगी. एंड कॉमेंट डाउन यू स्कोर, मुझे बताओ कितने क्वेश्चंस आप सही इसमें से कर पाए हो. एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं आई विल सी कि कितने लोग उसका आंसर सही से करते हैं, ठीक है. तो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी. आई होप कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लें. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.